अमरनाथ में अभी भी विकट स्थितियां हैं। बादल फटने की घटना के बाद लोग सुरक्षित तो जरूर हैं, लेकिन अभी दर्शन नहीं किए हैं क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब सारी चीजें काफी महंगी हो गई हैं। वहां गए लोगों ने बताया कि जिस दिन बादल फटे थे उस दिन परिवार के बुजुर्गों को 8 किलोमीटर दूर पंचतरणी जाने के लिए घोड़े का किराया 1500 रुपए लगता था, वह 6000 रुपए लिया गया। टेंट का किराया जो 150 रुपए हर रोज का लगता है वो 4000 रुपए कर दिया गया है। खाने पीने की सभी चीजें कई गुना महंगी कर दी गई हैं। परिवार के बुजुर्ग बीमार हैं, हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं, हम अब बिना दर्शन किए लौटना चाहते हैं। मध्य प्रदेश शासन से गुहार है कि वो हमारी मदद करें। ये पीड़ा अमरनाथ में फंसे इंदौर, बुरहानपुर और सीहोर के लोगों की है। इंदौर के बाणगंगा के रहने वाले कल्लू राठौर 3 जुलाई को बुरहानपुर में रहने वाले अपने दामाद सचिन वारुढ़े, समधी सुधाकर, समधन कुसुम, नाती श्रेयस व सीहोर में रहने वाले अतुल और उनकी पत्नी लक्ष्मी राठौर के साथ भोपाल से अमरनाथ के लिए रवाना हुए थे। अभी पंचतरणी में एक टेंट में ठहरे हुए हैं। इन तीनों बुजुर्गों की तबीयत खराब है और ब्लड प्रेशर भी लो है। प्रत्यक्षदर्शी सचिन ने बताया कि 5 जुलाई को सभी चंदनवाड़ी पहुंचे थे और 6 जुलाई को चढ़ाई शुरू की। शाम करीब 5:30 बजे वो अमरनाथ गुफा से करीब 200 मीटर दूर थे, तभी बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट हुई। ये आवाज सामान्य नहीं थी और सभी घबरा गए। तभी देखा तो हर ओर से पानी का तेज बहाव था, वहां लगे टेंट और लोग तेजी से बहने लगे। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि हम जहां थे तब सुरक्षित थे, लेकिन काफी घबराहट हो रही थी। पानी में बहते हुए लोग मदद के लिए चीखने लगे थे, लेकिन हर कोई असहाय था। हम भी अपना सामान लेकर पंचतरणी की ओर भागने लगे। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद मेरे बुजुर्ग माता पिता व ससुर थक चुके थे। हमने वहां घोड़े पर पंचतरणी जाने के लिए बात की तो घोड़े का किराया 1500 रुपए लगता था, वो 6000 रुपए बताया गया। मजबूरन हमने तीनों को घोड़े से रवाना किया और 18000 रुपए दिए, जबकि हम भी उनके पीछे पैदल पंचतरणी के लिए रवाना हुए और करीब 1 बजे रात में पहुंचे। बकौल सचिन पंचतरणी पर जहां टेंट का किराया 150 रुपए था, वहां अब 4000 रुपए चार्ज बताया गया। मजबूरन हमें किराया भी देना पड़ा। इसके बाद सभी के जहन में रात भर वही दहशत वाला मंजर कौंधता रहा और कोई सो न सके। तभी से तीनों बुजुर्गों की तबीयत भी खराब है, उन्हें बुखार, सर्दी, खांसी है। वही उनके पिता का ब्लड प्रेशर भी लो है। सेना के जवानों को बताया तो उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया। पहले से हालात ठीक हैं, लेकिन अभी भी घबराहट ऐसी है कि बिना दर्शन किए ही लौटना चाहते हैं। यहाँ पर लंगर में भोजन की व्यवस्था है, लेकिन दूसरी कोई भी चीज काफी महंगी है। 5 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट भी 25 रुपए में मिल रहा है। यही स्थिति मैगी की है, जो कि 5 गुना महंगी है। मोबाइल चार्ज करने तक की व्यवस्था नहीं है। हमारे 2 बार पैसे खत्म हो गए। रिश्तेदारों ने पैसे ट्रांसफर किए, जो कि वो भी खत्म हो गए हैं। सचिन ने बताया कि रविवार को इंदौर से तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों के फोन आए थे। उन्होंने कहा कि आप सभी की जानकारी भोपाल को दे दी गई है, जल्द ही हर संभव मदद की जाएगी। सभी से बस इतनी गुहार है कि भोपाल आने तक का इंतजाम हो जाए तो हम अपने घर पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। मोदी जी बचाओ, हमें मोदी जी बचाओ। सुधाकर वारुड़ा बुरहानपुर से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश। शिवराज जी बच्चे हमारे मामा है। पानी गिर रहा है सुबह से और सबों को बुखार है। हम लोगों को क्या खाने पीने का साधन तो सब है, यहाँ पर सब मिल रहा है। टेंट इसमें पैसा लग रहा है, बहुत पैसा हमारे कहने पैसा खत्म हो चुका है।